हाँ जी, कल आपने शॉर्ट वीडियो देखी थी, उसमें हम लेके आए थे शकरकंदी का पोहा, और आज इसकी पूरी वीडियो आ गई है। देखिए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मकर संक्रांति पे बनाया जाता है ठंडी में। वैसे तो कभी भी बना सकते हैं, पर ये मकर संक्रांति पे बनाया जाता है। हाँ जी, वेलकम हो गया आप सबका क्रिस्टीना किचन चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सब्ज़ी बना रहे हैं, ये इस पोहे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमने प्याज और टमाटर को ऐसे बहुत ही ज़्यादा बारीक ये लगा लो पीस ही लिया, और तड़के के लिए हमने खड़ा मसाला डाला है कुकर में, और साथ में हमने डाल दिए प्याज को। ये हम आलू मटर बना रहे हैं, ये थोड़ी लिक्विड बनाएंगे हम। आप चाहो तो कोई और सब्जी, आलू मटर भी, या तो आलू भी, आलू गाजर भी, जो भी सब्जी लेना चाहें वो ले सकते हैं। बेसिक मसाले हमने ऐड किए हैं, देखो अच्छे से भुन गया है हमारा मसाला। अब जो हमने वेजिटेबल कट की है वो इसमें डाल देनी है। देखें, अब थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया, देखें आपको दिख रहा होगा इतना, और अब आप 3 से 4 विसल लगवा लेनी है। हमारी विसल आ गई, हमारी सब्जी हो गई तैयार। अब हमें लेना है गेहूं का आटा, उसमें हमने डालना 1 कप रिफाइंड ऑयल डालो या सरसों का ऑयल डाल लो आप, हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। साथ में हमें लेनी है 1 कप चीनी की, आप जितना घी लेंगे, रिफाइंड लेंगे मतलब, उतना ही वो लें चीनी ले लें 1-1 कप करके। रिफाइंड हमने इसलिए डाला क्योंकि ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। अब हमने ले लिए सारी शक्करकंदी, हमने बॉईल करके रखी हुई थी। अब इसका हमने एक आटा तैयार करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। ये हमें बिल्कुल टाइट आटा रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। और ये भी ध्यान रखें, तब आप आटा बना रहे हैं तो तुरंत की तुरंत ही ये बनानी पड़ेंगे पोहा। अगर ये तब की तब नहीं बनाया तो ये चिपक जाएगा, मतलब बिलेगा भी नहीं, बेले भी नहीं जाएगा, इसीलिए इसको तुरंत की तुरंत बनाना होता है। देखिए आटा बना दिया, अब दोबारा से फिर से रिफाइंड लेना और उसको ऐसे मसलना है, और ऐसा हमारा आटा होना चाहिए। अब हमने देसी घी लिया है, आप यहाँ भी चाहो तो रिफाइंड ले लो या सरसों का ऑयल ले लो। अब इनको फ्राई करना पूरियों की तरह, देखें ऐसे साथ के साथ आपको बेलना है, साथ के साथ डिप कर देना है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है पहले ही, अगर आप थोड़ी देर पहले भी बेलेंगे इसको तो भी ये मतलब चिपक जाएगा चकले के, ये उतरेगा नहीं, इसीलिए आप तुरंत की तुरंत पहले और तुरंत की तुरंत इसमें डीप करें, और ऐसे ये अपने आप फूलेगा। देखें, अब इसको हल्का सा प्रेस कर करके इसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। इसको बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेगा, और हम बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे भी ज़्यादा बचेंगे, और एक घर में भी एक अलग ही टेस्ट आ जाएगा, मतलब अलग टेस्ट का खाना हम बना पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे न्यू हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आने की। देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और हाँ, अगर आप मटर पनीर या कढ़ाई पनीर या देसी जो मालपुड़े बनते थे पहले वो वाली रेसिपी, या बथुए का रायता, जो भी आप देखना चाहें हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमने सब चीज़ों की रेसिपी बना रखी है। आप ऐसे एक एक करके सारे के सारे बना लें।
अपने आप ही तेल गर्म होगा, ये अपने आप ही ब्राउन होते जाएंगे। इसको अच्छे से सेक लें, आप हाथ मत लगाएं, अगर एक्सपर्ट नहीं है तो प्लीज़, नहीं तो फिर आप जल जाएंगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान से केयरफुली करें। देखिए बिल्कुल फूल गई है, अच्छे से बन गई है, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी अंदर से भी। और पूरियों से थोड़ा सा मोटा रखना है इसको। देखिए हमने सब बना लिए हैं, देखिए सारे के सारे कितने अच्छा कलर आया है। ओके आप भी खाएं, हम भी खा रहे हैं, एंजॉय करें आप। बाय बाय, टेक केयर।